दोस्तों, जब आप किसी सोशल इवेंट पर जाते हैं, जैसे कि किसी पार्टी में, तो आप दो तरह के लोगों से तो ज़रूर मिलते होंगे। एक वो जो पार्टी में जान डाल दें, सबके साथ हंसे बोले और एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, और दूसरे वो जो पार्टी की जान ही निकाल दें, यानी कि अपने बिहेवियर के थ्रू लोगों का मज़ा ख़राब कर दें। आई एम श्योर आप इन दोनों टाइप के लोगों में से किसी एक को तो जानते होंगे। वेल, पार्टी में और भी बहुत तरह के लोग होते हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लोग या आपके दोस्त पार्टी में जिस तरह बिहेव करते हैं, उस बिहेवियर के लिए क्या एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, इंग्लिश में क्या उनको बोला जाता है, ताकि जब आप उनके बारे में बात करें, कोई कॉन्वर्सेशन करें, तो आप सही शब्द और सही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं खुशबू और हिंखोज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो हमारे आज के पार्टी वोकैबुलरी लेसन का पहला एक्सप्रेशन है लाइफ एंड सोल ऑफ अ पार्टी। लाइफ एंड सोल ऑफ अ पार्टी का अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो एक पार्टी की, एक सोशल इवेंट की जान हो, यानी कि जिसके बिना एक सोशल इवेंट बहुत ही डल, बहुत ही बोरिंग बन जाए, और अगर वो प्रेजेंट हो तो वही सोशल इवेंट या वही पार्टी बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एन्जॉयबल बन जाती है। ऐसे लोगों को हम लाइफ एंड सोल ऑफ अ पार्टी बोलते हैं। अगर सेंटेंस में इसका हम यूज़ करें तो आप कह सकते हैं आई मस्ट इन्वाइट हिम, आफ्टर ऑल ही इज़ लाइफ एंड सोल ऑफ अ पार्टी, यानी कि मुझे उसे ज़रूर बुलाना चाहिए, आफ्टर ऑल वही तो पार्टी की जान है। यानी उसको नहीं बुलाया तो पार्टी बहुत ही डल या बोरिंग हो जाएगी या मज़ेदार नहीं रहेगी। सो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं लाइफ एंड सोल ऑफ अ पार्टी। उसी से ही मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन है पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल का मतलब होता है वो लोग जो पार्टीज में जाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें पूरे दिल से इन्जॉय करते हैं, और अपनी हर चिंता को छोड़कर पार्टी में औरों को भी बहुत इन्जॉय करवाते हैं। ऐसे लोगों को हम पार्टी एनिमल बोलते हैं। जितनी भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आएँ किसी भी पार्टी या सोशल इवेंट में जाने की, ये उसे मिस नहीं करते। ऑलमोस्ट आपको अपने सर्कल की हर गैदरिंग में ये ज़रूर दिख जाते हैं। सो ऐसे लोगों को आप पार्टी एनिमल बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस में हम इसका यूज़ करें तो आप कह सकते हैं ही वॉज सच अ पार्टी एनिमल बिफोर ही गॉट मैरिड, यानी कि शादी होने से पहले वो बहुत पार्टीज़ में जाता था, वो एक पार्टी एनिमल था। शायद शादी के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। सो एनीवे, पार्टी एनिमल इज़ दैट पर्सन जो हर पार्टी में जाए, बिना किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करे और उन्हें फुल फ्लेजिडली इन्जॉय करे। एक और शब्द जो हम पार्टी एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं वो होता है एक्स्ट्रोवर्ट। एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी भी सोशल इवेंट में, किसी सोशल गैदरिंग में बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। यानी कि अगर उन्हें नए लोगों से बात करनी हो, या किसी पुराने इंसान से या जान पहचान के लोगों से बात करनी हो, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ऐसे लोगों को हम एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट का ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब है ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, स्पेशली पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करते। अगर उनके पास फ्री टाइम है और वो एन्जॉय करना चाहते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो घर पर अकेले रहें, किसी के साथ टाइम स्पेंड ना करें और अपने पसंद की कोई एक्टिविटी अकेले करें। और अगर बाय चांस किसी भी कारण उनको पार्टी में जाना पड़ भी जाए तो आप हमेशा पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो एक कोने में खड़े होंगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा शाई नज़र आएंगे, हेजिटेशन उनको बहुत होती है दूसरों से बात करने में। ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब होता है ऐसे लोग जो बाहर जाना पसंद करते हैं और दूसरों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना पसंद करते हैं। वंस अगेन, ये एक्स्ट्रोवर्ट या लाइफ इन सोल ऑफ अ पार्टी की ही एक टाइप है। आउटगोइंग लोगों को ये पसंद होता है कि वो नए लोगों से मिलें, उनसे दोस्ती करें और नए रिलेशनशिप्स बनाएं। ऐसे लोगों को हम आउटगोइंग बोलते हैं। उसी से मिलता जुलता एक सिमिलर वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो सोशल इवेंट्स का पार्ट बनना बहुत पसंद करते हैं और बहुत बार सोशल इवेंट होस्ट करना पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि उनके घर पार्टीज़ हो, उनके घर लोग आएं, मिले जुले बातें करें, और ये जितना पॉसिबल हो वो करने की कोशिश करते हैं, और वाइस वर्सा वो दूसरों के घर जाना भी पसंद करते हैं।
तो ऐसे लोगों को हम ग्रेगेरियस बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं और सोशल इवेंट्स, सोशल गैदरिंग्स को बहुत इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो इससे मिलता जुलता है वो है चैटी। चैटी का मतलब होता है कि पार्टी में ऐसे लोग जो दूसरों से बात करना तो पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में। समटाइम्स दे कैन गेट अ लिटिल अनॉइंग, वो थोड़े से अनॉय कर सकते हैं लोगों को, बट यूजुअली उनकी बातें बहुत मज़ेदार होती हैं। वो किसी से भी किसी भी तरह की बात कर सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं चैटी, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। पार्टी में आई एम श्योर ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलते होंगे, एंड आई एम श्योर आप ऐसे लोगों से बहुत देर बात करने के बाद दूसरी जगह जाना पसंद करते होंगे। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ सोशेबल। सोशेबल एक ऐसा इंसान जो सोशलाइज़ करना पसंद करे, यानी कि उसे पसंद हो कि वो कहीं बाहर जाए, ज़रूरी नहीं है पार्टी में, किसी भी जगह पे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं, किसी इवेंट में बाहर जाएं, या कहीं भी जहां उनको नए लोगों से मिलने का, सोशलाइज़ करने का मौका मिले, उन्हें हम सोशेबल बोलते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव्स आप ऐसे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो नए लोगों से मिलना पसंद करें, जो सोशल इवेंट्स का पार्ट बनना पसंद करे, जो नए लोगों से बात करना पसंद करे। सो दीज वर्ड्स आर यूज फॉर दोज पीपल। नेक्स्ट वर्ड है गुड कंपनी। गुड कंपनी का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनके साथ आप वक्त बिताएं तो आपको अच्छा लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके टेंजेंट से मैच करते हैं, उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं आपसे सिमिलर है, और अगर नहीं भी है तो भी वो आपको अपनी प्रेजेंस में अच्छा महसूस कराएंगे, बोर नहीं होने देंगे, और समहाउ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उनके साथ बात करके या उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं गुड कंपनी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड, शी इज़ अ गुड कंपनी। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाती हूँ, शी इज़ अ गुड कंपनी, यानी कि तुम उसके साथ टाइम बिताओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोगों को हम गुड कंपनी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिंगल। मिंगल वर्ड पार्टीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों से बात करना, दूसरे गेस्ट से जो पार्टी में मौजूद है उनके साथ मिक्सअप होना, उनसे जान पहचान करना, तो इसको हम कलेक्टिवली मिंगल बोलते हैं। मिंगल एक वर्ब है। इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई बी राइट बैक विद यू, वाई डोंट यू मिंगल, यानी कि मैं तुम्हारे पास अभी वापस आती हूँ। अगर आप पार्टी में किसी के साथ हैं और आपको किसी और के पास जाना है तो आप कह सकते हैं कि आई बी राइट बैक, मैं अभी वापस आती हूँ, वाई डोंट यू मिंगल, यानी कि तुम और लोगों से बात करो, क्यों नहीं तुम दूसरे लोगों से बात करो, यानी कि इन द मीन टाइम मैं वापस आऊँ तो वाई डोंट यू टॉक टू अदर पीपल। सो इसको हम बोलते हैं मिंगल करना, यानी कि दूसरे लोगों से, पार्टी में मौजूद और लोगों से बात करना, जान पहचान बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो पार्टी में ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करें, ज़्यादा कोई पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब देना पसंद ना करें, या यूँ कहें कि किसी क्वेश्चन का जवाब देना ही ना पसंद करें, और अपने आप में ही सीमित रहें, यानी कि दूसरों से ज़्यादा बात करने की कोशिश, एफर्ट ना दिखाएं, और जब उनके पास कोई बात करने आए तो उन्हें भी वो ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। तो ऐसे लोगों को हम रिजर्व्ड बोलते हैं। अक्सर पार्टीज़ में कुछ लोग हमें ऐसे मिल ही जाते हैं जो अपने आप में ही रहते हैं और दूसरों के साथ ज़्यादा बात नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू हर बट शी सीम्स क्वाइट रिजर्व्ड, यानी कि मैं उससे बात तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत रिजर्व्ड है, वो बहुत अपने आप में ही रहने वाली लड़की है, वो शायद मुझसे बात ना करना पसंद करे। सो अपने आप में रहने वाले लोगों को हम पार्टी में जब मिलते हैं तो उन्हें हम रिजर्व्ड लोग बोलते हैं। रिजर्व्ड लोग नॉर्मली किसी से कोई बात नहीं कहते, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिहेवियर के कारण दूसरों का मजा ख़राब कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं किल जॉय। किल जॉय का मतलब जैसा कि ये सब बोल रहा है, वो दूसरों के मज़ा भी ख़राब कर देते हैं, अपने बिहेवियर के कारण कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि सामने वाले को अच्छा ना लगे, वो ऑफेंड हो जाए। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं किल जॉय, यानी कि वो पार्टी का माहौल थोड़ा ख़राब कर देते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में बोल सकते हैं व्हाई डिड यू इन्वाइट हिम, ही सच अ किल जॉय, यानी कि तुमने उसे क्यों बुलाया, तुमने उसे अपनी पार्टी में क्यों बुलाया, वो बहुत किल जॉय है, यानी कि वो अपना साथ साथ दूसरों का भी मज़ा ख़राब कर देगा, पार्टी का माहौल ख़राब कर देगा।
इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, पार्टी पूपर। पार्टी पूपर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, वंस अगेन, जो अपनी बातों के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू सारा पार्टी का माहौल, एनवायरनमेंट ख़राब कर दे, उसे हम बोलते हैं पार्टी पूपर। सो किल जॉय एंड पार्टी पूपर आर दोज पीपल जो दूसरों के साथ साथ, अपने साथ साथ दूसरों का भी मज़ा ख़राब करें, पार्टी को एक डल जगह बना दे, एक कॉम्प्लिकेटेड सा माहौल क्रिएट कर दे। दोस्तों, आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया हो। आई एम श्योर कि आपने इन सभी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस में से अपने दोस्तों को पॉइंट आउट कर लिया होगा, या फिर शायद अपना बिहेवियर भी पहचान लिया होगा। आई एम श्योर कि आप जब नेक्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आप इन एक्सप्रेशंस और इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ताकि आप लोगों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जो सोशल इवेंट्स पर होते हैं, ठीक से बता सकें। आज का लेसन देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल हिंकोज को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।